अस्सलामु अलैकुम, आई एम जीनू लई खान एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीनू लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड अभी जो टाइम हो रहा है, आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, आफ्टरनून के 2:30 बज रहे हैं। और आज जो डेट है वो है 29th of July। आज मेरी छोटी सिस्टर का हैप्पी बर्थडे है, आज उसका। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि उसको बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। तो दोपहर का क्या सीन है, लंच बन गया है, नॉर्मली दाल एंड राइस बनी है। और एक बार बताऊँ, आज सुबह से इतनी प्यारी वाली बारिश हो रही है। तो चलिए आपको पहले बारिश दिखाती हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। तो आपने देखा कितनी प्यारी वाली बारिश हो रही है। एक छोटी सी क्लिप मैंने शूट की थी, ये जो मॉर्निंग से आफ्टरनून तक इतनी प्यारी वाली बारिश हो रही थी। और आज शाम में हम लोग बनाने वाले हैं छोले भटूरे एंड जीरा राइस एंड रायता। प्योर वेजिटेरियन खाना बनाने वाले हैं, बिकॉज बकरीद से हम लोग इतना ज़्यादा, मतलब बकरीद से बहुत ज़्यादा नॉनवेज हो रहा था। एंड शादियों में भी मैं बहुत गई हूँ। अभी मेरे एक रिलेटिव में शादी थी तो वहाँ पर गई हूँ। तो खाने का सीन बस यही सब कुछ रहता है, नॉनवेज रहता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब शादियों में भी आजकल यही सब है। तो बहुत ज़्यादा मतलब मन नहीं हो रहा था नॉनवेज में कुछ भी, चिकन वगैरह बनाने का, क्योंकि फ्राई वगैरह डेली बहुत हो रहे थे। और जैसे कि मैं ऑनलाइन भी हम लोग मंगाते रहते हैं। तो आज हम लोग ने, मतलब मम्मी ने बोला कि हम लोग वेज ही बनाते हैं। तो मैंने वेज में मटर पनीर भी, अभी मैंने अभी शादी में गई थी तो वो सब खाया था। मैंने कहा छोले भटूरे बनाते हैं आज, तो सिंपल और इजी और जल्दी से बनने वाला खाना है तो वो ही बनाते हैं। और खीर के लिए मैंने राइस को दरदरा ग्राइंड कर लिया है क्योंकि वो सही रहता है, तो उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। अभी जा रही हूँ थोड़ी देर के बाद, जैसे ही लंच करूँगी उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ। चलिए चलते हैं, और तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। अभी जस्ट मैं थोड़ा सा सोकर उठी हूँ और काम चल रहा है, ठीक है। और मैंने अभी सो लिया है, 2 घंटे मैं सो रही हूँ आराम से। अब जाके यहाँ पे ये प्रिपरेशन हो रही है क्योंकि बैठ के बात करते हैं पहले तो, ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी कि ये कोई को आना तो है नहीं है, ऐसा रेनी सीजन है। तो मेरी सिस्टर वैसे तो बाहर ही सेलिब्रेट करती है, और लास्ट ईयर मैं मेरे घर पर थी तो मैंने ही बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जो आपके पास बर्थडे ब्लॉग मैंने शेयर किया था, शायद आपने देखा होगा। इस बार तो मैं खुद ही यहाँ पर हूँ तो यहीं पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि और हाँ, केक पापा ने ऑर्डर कर दिया है तो वो शाम तक आ जाएगा। हम लोग घर पर ही सेलिब्रेट कर रहे हैं और कोई को आना तो है नहीं है, वैसे घर के थोड़े बहुत मेंबर हैं। और जो मेरे चाचा चाची आए हुए हैं तो वो भी आ जाएंगे बस, और ऐसे छोटा सा सेलिब्रेशन हम लोग घर में कर रहे हैं। और बलून लगाने के लिए सोच रहे हैं, फोटोज अच्छी आती है तो देखते लोग निकाल के देते हैं मुझे बलून के नहीं। तो ये आ गई है मेरी सिस्टर, रेडी नहीं है तो कैमरे के सामने आने से रही, कह रही है जब मैं रेडी हो जाऊंगी तब मुझे लेना कैमरे में। तो अभी तो वो आने से रही, ठीक है। तो मैं ही जैसी हूँ वैसी आ जाती हूँ आपके सामने, ठीक है। और मेहंदी आप देखो 4 दिन होने वाले हैं, वैसी की वैसी लगी है, अंदर की पूरी गायब हो गई है, पीछे की फुल वैसी लगी हुई है, ठीक है। इस बार मेरी मेहंदी थोड़ी जल्दी हट रही है क्योंकि इस बार मैंने मेहंदी बिल्कुल ही कम से लगाई थी, मतलब मैंने लगाई थी जैसी लगा रही थी वैसी हटाती जा रही थी, तो कुछ ज़्यादा मतलब अब रह नहीं गई है, पूरी चली गई, वरना 1 वीक तक फुल रहती है। इस बार कुछ डार्क कलर भी नहीं हुआ था क्योंकि बहुत जल्दी मैंने हटा दी थी, ठीक है। तो चलो थोड़ा बहुत हेल्प करा लेते हैं, खीर बनाने जा रही हूँ। टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं, ओके, देख सकते हो टाइम। यहाँ छोले बॉयल हो रहे हैं जो कि पूरा पानी निकलने वाला था, बंद कर दिया। यहाँ पे मसाला ग्राइंड कर लिया है छोले का, ये तड़के के लिए प्याज रखी हुई है तो यही बना रहे हैं। और अभी फ्रिज में से निकालती हूँ मैं मैदा और इसका आटा लगा के रख देंगे। तो ये निकाल दिए है मैंने मैदा, और राइस भी बाद में बनाएंगे। खीर है जो 2 लीटर की बना रहे हैं हम लोग, खीर गर्म करके। तो खीर देख सकते हो कुछ इस तरह से है, अभी तो बहुत ही ज़्यादा ये पतली है और इसे भी बहुत खौलाना है। देन सेकेंड यहाँ पर
और यहाँ पर छोले का मसाला हो रहा है, ठीक है। जैसे भी तो बहुत टाइम लगेगा भुनने के लिए। ये मेरी चाची आई हुई है। खीर भी बनकर, डिलीशियस खीर बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हो कितनी डिलीशियस लग रही है। और यहाँ पर छोले भी बन गए हैं। तो आप देख सकते हो कितनी डिलीशियस ये वेज बिरयानी बनके रेडी हो गई है। मैं इसको ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करूँगी, नहीं तो कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा इधर से उधर। साइड से निकालेंगे और बहुत ही यम्मी वेज बिरयानी तैयार हो गई है बनकर। सभी जो टाइम हो रहे हैं 8:30 हो रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। और मैंने एक न्यू कुर्ती वेयर की है जो रिसेंटली मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, कहीं पहनने का ओकेज़न था नहीं बट आज था, तो आज मैंने इस कुर्ती को वेयर कर लिया है। और यहाँ कुछ बलून्स डले हुए हैं, इस ब्लॉग में आई थिंक दिखाई कि नहीं, आई डोंट नो, कुछ इस तरह की है। ये फुल लॉन्ग कुर्ती है, ये बहुत प्यारी सी। मैं बलून को सारे बलून बस थोड़ा सा स्कर्टन पर लगाएंगे बस। तो चलिए बर्थडे गर्ल से मिला देते हैं। ये है मेरी छोटी सी सिस, तो मिल लीजिए इससे। हाय, तो कैसा लग रहा है आज तुम्हारा बर्थडे? छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं इसका। चलो, कैसा लग रहा है आज तुम्हारा बर्थडे है? बहुत अच्छा लग रहा है। और तुम कितने स्पेशल लग रहा है? और आज तुम्हारी आज कितने साल की आप हो गई हो, कुछ बताना चाहोगी? स्वीट 16। तो गर्ल्स की एज पूछना अच्छी बात तो होती नहीं है, आई नो दैट। स्वीट 16 होती है, जैसे कि मैं भी, ठीक है। तो स्वीट 16 है ना, तो एड्रेस दिखा दो अपनी। तो कुछ इस तरह से इसकी ग्लिटरी बहुत ही खूबसूरत सी इसकी ड्रेस है, ठीक है। तो चलिए बैलून्स को हम लगा देते हैं रूम में।